बड़ी खबर इस वक्त, बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जेडीयू के बीच समझौता हो गया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों पार्टियां बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वो संख्या 16-17-18 सीटों के बीच हो सकती है। एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीट का ऑफर दिया गया है। अगर वो 2 सीटों पर नहीं मानते हैं तो उनकी सीटें बीजेपी और जेडीयू आपस में बांट लेंगे। रामविलास पासवान को 5 सीटें दी गई हैं। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि बीजेपी और जेडीयू ने आपस में सीटों का बंटवारा किया है और 50-50 का फॉर्मूला अपनाया, यानी आधी आधी सीटें दोनों में बांटी जाएंगी। ये फैसला अभी लिया गया है। एलजेपी, रामविलास पासवान की पार्टी है, उसको 5 सीटें दी गई हैं और आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीटें ऑफर की गई हैं। अगर वो ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते हैं तो ये सीटें भी बीजेपी और जेडीयू आपस में बांट लेंगे।